मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चल रहे एक लंबे विवाद, नदी के विवाद का मसला अब सुलझ गया है। मोहन यादव इस बीच एमओयू साइन करते हुए आपको तस्वीर दिखा रही हैं, जहां भजन लाल शर्मा और मोहन यादव की बात हो गई है। आज भजन लाल शर्मा से मोहन यादव ने मुलाकात की थी, राजस्थान वो पहुंचे थे, जिसके बाद अब राजधानी में आ चुके हैं मोहन यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। हमारे लिए विकास की सरकार के लाइन में खड़े थे। हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, इधर मालवा का राजगढ़ से निमाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि औद्योगिक निवास, निवेश, पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास की बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी। और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए। जैसा मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल की बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितने जल्दी हो सके, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आज हमारे प्रयास किया है। और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पे असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते थे। तो कुल मिलाकर के देश इतना एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी संभावना मिलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और उसका लाभ हमसे उठाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे मोटे इशू थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की, कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है, और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे जिले हैं, 2,80,000 हेक्टर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है, ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे हो। और
मैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे द्रुत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान के और मध्य प्रदेश की जनता को फायदा इसका मिल सके। काफी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, उन्हें यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को और आप सभी का, जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे आपका भी और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का। उन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय अधिवासी जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्री राम बेदरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्माननीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्र, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 26 जिले जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है, भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ उपयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती काली सिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई, इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी और उसकी जो एसएआईएलआर हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, क्यों लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी डीपीआर बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,000-60,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब है जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का
सर्वोत्तम सर्वाधिक उपयोग उपभोग किस तरह से हो सके इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि देश में जो दो इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर, जैसा स्मरण आता है मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में दो तीन दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे तब मैंने चर्चा की थी, तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन हो चुका है और अच्छी खासी सहमति नदी को लेकर हो चुकी है। इधर